देखिए, जहाँ तक एलिगेटर फिश का दल में पाया जाना जो हमने पकड़ी है, वहाँ पे जितने भी जो लौड़ा वाले थे जिन्होंने रिपोर्ट किया, वायर जो डिवीडिंग कर रहे थे, तो इट इज़ टोटली न्यू फिश। यू कैन से अलेन फिश और यू कैन से एग्जैक्ट टू आस। ये पहली बार हमने रिपोर्ट की है यहाँ पे। इससे पहले भी जो डल लेक है, जितने भी वाटर बॉडीज है, रेगुलरली वे आर कंडक्टिंग रिसर्च के बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, कि कौन सी फिश किस झील में है, किस तालाब में, किस रिवर में। तो ये पहली जो आपने ये एलिगेटर गार जो आपने देखी, ये पहली बार हमारी इस जो हमारे डल लेक से रिपोर्ट हुई है। तो ये इसका जहाँ तक यहाँ पे मौजूद होना और इसका पकड़ना, ये तो हमारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ कहीं आसमान से आई है। ये फिश है, खाने वाली फिश है। तो ये जो हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें खासकर बिहार है, हमारा यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, जहाँ पे ये ऐसे ही पाई गई इन्हीं हालातों में। अचानक इसको लोग पकड़ने गए तो वहाँ इनको मिली ये एलिगेटर फिश है। तो यहाँ पे केरला का ताल्लुक है, वहाँ पे जो ये वहाँ पे बैनड है इसका कल्टीवेशन, लेकिन कुछ फार्म्स में ये फिर भी कल्टीवेट किया जाता है इसको ग्रो करने के लिए, ताकि क्योंकि उसका इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसका फीडिंग हैबिट इसका कार्निवोरस फिश है। ये दूसरे फिशों को खाती है और जो उसके साथ दूसरे क्रस्टेशन या बाकी एनिमल्स है। लेकिन इसका यहाँ पाना, ये एक इन्वेसिव फिश है, एग्जॉटिक फिश है, किसी हद तक ये हमारे जो हमारे लोकल फिशेज है उन पर असर कर सकती है, क्योंकि ये उनको डाइवर्ट, इसका जो फीडिंग हैबिट है ये डाइवर्स ऑन द अदर फिशेज। लेकिन अब ये देखना है कि ये फिश कैसे आ गई, क्या नहीं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हमारे लिए रिसर्चेबल इश्यूज़ हैं। तो उसमें जो सबसे मुझे लगता है, आई हैव वर्कड ऑन दिस सो फार एज द बायोडायवर्सिटी ऑफ फिशेज इज कंसर्न जे एंड के फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, उसमें यही है कि जो हमारी ये फिशेज हैं ये नहीं पाई गई। लेकिन इसमें इससे पहले भी अगर हम देखेंगे, डल लेक में हमारे पास ग्रास कार्प नहीं थी या मानस बल में, लेकिन तो हमने हमारे स्टूडेंट्स ने 1996 में, तो वहाँ से उन्होंने एक फिश लाई, वो बोला कि टोटली डिफरेंट ग्रास कार्प थी जी, लेकिन वो हमारे यहाँ जो ये हमारे यहाँ के फिश फार्म में वहाँ पाई जाती है, वो वहाँ से निकल के वो वहाँ से वेंचर करके हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज़ में आए। लेकिन ये फिश का आना, इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, और मुझे जो लगता है जो खास कारण इसका हो सकता है वो है कि जो हमारा यहाँ पर ऑर्नामेंटल सीड जो लाते हैं, ट्रेड होता है, लोग जो ऑर्नामेंटल ट्रेड से वाबस्ता हैं वो सीड बाहर से लाते हैं यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिश, उसके साथ ही आ गई होगी, और इस तो उस दैट कैन बी द वन ऑफ द फैक्टर्स। इस तरफ से अब तो ये हमारे लिए एक इशू बन गया है, और पहले तो हमें देखना है, हमें क्वान्टिफाई करना है कि इसके लिए हमें जाना है और स्टडी करनी है कि इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ये एक ही फिश थी कि और भी इसके बहुत सारे स्पेस मैनेज हैं डल में, अगर होंगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस सो फार एज इंडिजिनस फिशेज आर कंसर्न। लेकिन इतना नहीं है, ये वीड्स हमारे पर डल लेक में इस वक्त जो है वीड्स भी एक प्रॉब्लम है, और जो हमारे वीड फिशेज भी जो है हमारे पास ट्रैश फिशेज भी है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो हमारे वीड्स है। कोई कुछ अगर ये इनका नंबर ज़्यादा भी होगा कुछ सालों तक हमें हमारी जो लोकल फिशेज उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैश फिशेज पर ज़्यादा खाएगी। लेकिन ए टाइम विल कम जब ट्रैश फिश का भी नंबर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ये डिवोर करेगी हमारी जो लोकल फिश है, तो उसका नंबर भी कम हो जाएगा। तो उस लिहाज से टाइम तो बट वी हैव टू सी के कितने स्पेस मैनेज है, वो हमारे लिए रिसर्चेबल इशूज़ है। तो अगर इसका नंबर ज़्यादा तो वो तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठाने पड़ेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।